साथियों, जब हम प्रश्न पत्र निर्माण की बात करें और प्रश्नों पर चर्चा करते हैं तो दो तरह के प्रश्नों के संदर्भ में अक्सर हमको सुनने को मिलता है। पहला ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस, अर्थात मुक्त अंत वाले प्रश्न, और दूसरा आता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, अर्थात बंद अंत वाले प्रश्न। तो साथियों, आज के इस कालखंड में हम इन्हीं दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में जानते हैं कि ये क्या होते हैं, क्योंकि इनके बारे में अक्सर ही संशय की स्थिति बनी रहती है या कई बार हमको पता नहीं होता है कि बंद अंत वाले और मुक्त अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। सम्मान्य साथियों, जय हिंद। चलिए प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं व्हाइट बोर्ड, इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को मैंने अंकित कर लिया है, यहां से मैं पढ़ता हूं, इसके पश्चात हम इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न। अब नाम पर चले जाए, मान लो मुक्त अंत, मुक्त अंत का मतलब क्या होगा, इसको क्या अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड, ठीक है, मुक्त अंत वाले, अर्थात प्रश्नों के उत्तर का अंत किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं, किसी भी तरह के शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हुए, विचारों का प्रयोग करते हुए जब प्रश्न का अंत करते हैं तो ऐसे प्रश्नों को हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस या मुक्त अंत वाले प्रश्न कहते हैं, ठीक है। इसमें विवरण क्या है देखिएगा, प्रश्नों के ऐसे प्रकार जिसे परीक्षार्थी को अपने विचारों या भावों को प्रकट करने की स्वतंत्रता रहती है, परीक्षार्थी चाहे जिस भी प्रकार से अपने उत्तर को लिख सकता है, इसमें बंधन नहीं होता है। मुक्त अंत का आशय यही है कि आप जब किसी प्रश्न का उत्तर लिखें या कोई विद्यार्थी किसी प्रश्न का उत्तर लिखे तो उसमें बंधन नहीं होता कि आपको यही वाक्य लिखना है, ऐसे ही शब्द लिखना है या इसी प्रकार से लिखना है, ऐसा इसमें कोई बंधन नहीं होता। इसमें पूर्ण रूप से मुक्त रहता है विद्यार्थी, वो अपने विचारों को अपने तरीके से अव्यक्त कर सकता है, वाक्यों का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसे हम प्रश्नों को मुक्त अंत वाले प्रश्न या ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। चलिए अब इनके उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं उदाहरण, लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, आपने ऐसे प्रश्नों के बारे में अक्सर सुना होगा। और हम लोग जब प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और निबंधात्मक प्रश्नों को हम बच्चों को देते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्नों की श्रेणी में, क्योंकि इनमें जो विद्यार्थी उत्तर लिखता है वो अपने विचारों को, अपने भावों को वह अभिव्यक्त करता है, ठीक है, यानी उन्हीं को लिखता है। विद्यार्थी जो पढ़ता है ना, जितना वह विद्यार्जन करता है और फिर जो सीखी गई बातें हैं उनको अपने शब्दों में उस प्रश्न के उत्तर में लिखता है। तो ऐसे ही प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो एक निबंधात्मक प्रश्न है, ठीक है, उस प्रश्न का उत्तर जो विद्यार्थी है वो अपने तरीके से लिखेगा या जो परीक्षार्थी है वो अपने तरीके से लिखेगा, अपने भाव को अपने तरीके से जमाएगा, अपने तरीके से उनका प्रस्तुतिकरण देगा, तो ये कहलाते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जबकि दूसरी ओर हम देखें तो बंद अंत वाले क्वेश्चन अर्थात क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, तो देखिएगा नाम से स्पष्ट है, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज्ड यानी बंद, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर लेखन में एक बाउंडेशन हो, अर्थात उसमें बंधन हो कि आपको इसी शब्द में उत्तर देना है या इसी का चयन करना है या ऐसा ही उत्तर देना है, ठीक है। जब परीक्षार्थी किसी परीक्षा में बैठते हैं तो सारे परीक्षार्थियों को एक ही शब्द में उत्तर देना होता है, अर्थात एक ही तरीके से उत्तर देना होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसके पश्चात हम बात करेंगे। बंद अंत वाले प्रश्न, प्रश्नों का ऐसा प्रकार जिसमें परीक्षार्थी को अपने स्वयं के विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता नहीं होती है, दिए गए विकल्पों में से ही चयन करके उससे उत्तर देना होता है, जिसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़कर बताया, ठीक है। इसमें विद्यार्थी को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए स्वतंत्रता नहीं होती है, अर्थात जो विकल्प दिए जाते हैं उन्हीं विकल्पों में से किसी एक को उसे चयन करना होता है, ठीक है। अब इसमें सीधी सी बात है, जो वैकल्पिक प्रश्न जो होते हैं वो इसका अच्छा उदाहरण है। मान लो कोई एक प्रश्न दिया है और उस प्रश्न के लिए चार विकल्प दिए गए हैं और उन चारों विकल्पों में से एक विकल्प को विद्यार्थी को चयन करना है,
ठीक है, यानी अपना उत्तर देना है। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हम क्या कहते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं, अर्थात बंद उत्तर वाले प्रश्न कहा जाता है। ठीक है, इसके और भी अन्य उदाहरण है, जैसा कि आप देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न, मैंने भी आपको बताया। इसी तरह सत्य असत्य वाले क्वेश्चन, यानी कुछ कथन दिए गए होते हैं, उन कथनों में यह बताना होता है कि सही है या गलत है, आप सही या गलत ही बताएंगे, या आप हाँ या नहीं में ही उत्तर देंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिएगा आगे, सही जोड़ी मिलान, मान के कुछ स्टेटमेंट्स का दिए गए होते हैं, ठीक है, और उनका जोड़ी मिलान करना होता है, तो जोड़ी मिलान वाले जितने प्रश्न होते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। इसी तरह से आगे हम देखेंगे रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न, यानी रिक्त स्थान की जो बच्चे पूर्ति करते हैं, जैसे एक कथन दे दिया गया है, उसमें कोई एक शब्द के लिए रिक्त स्थान दे दिया गया है, और बाद में दो शब्द दे दिए गए हैं, उनमें से चुन करके भाई उस रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, या इसी तरह से वाक्य विचारों को सही क्रम में जमाने के लिए, जैसे मान लो कुछ विचार दे दिए गए हैं, कथन दे दिए गए हैं, तो उनको सही क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार के जितने भी प्रश्न होते हैं उनको हम कहते हैं बंद अंत वाले प्रश्न। तो साथियों, इस कालखंड में बहुत ही सहज और सरल तरीके से आपने समझ लिया होगा कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, अर्थात मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न क्या होते हैं। आशा करता हूं यह जानकारी आपको काफी उपयोगी लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।